हेलो फ्रेंड्स तो हम देख रहे थे अपनी माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट फिफ्थ और आज का हमारा टॉपिक होगा प्रिजर्वेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यूजिंग एंटी माइक्रोबियल एजेंट तो हमने अब तक जो माइक्रोबायोलॉजी और फिजिकल फार्मास्यूटिक इस सब में हम सीख रहे थे कि हम अपना कोई भी प्रोडक्ट है उसको कैसे बनाते हैं उसकी सॉलिबिटी इन सब चीजों के बारे में हम सीख रहे थे तो आज की वीडियो में बस हम ये समझने वाले हैं कि जो हमारे प्रोडक्ट बने हैं उनको हम बैक्टीरिया वायरस से कैसे बचाएंगे जैसे एग्जांपल ये समझिए आपने एक्सपायरी डेट का सिस्टम देखा होगा तो आपने जब इतना कुछ देखा कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो पहले हमको क्या क्या कराते हैं हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो पहले तो हम उसको असेप्टिक एरिया में बनाते हैं मतलब असेप्टिक एरिया यानी कि जिसमें हमारी एक भी बैक्टीरिया वायरस ना हो उसके बाद हम उसकी स्टेरलाइजेशन भी करा देते हैं मतलब उसको स्टेराइल करा देते हैं अच्छे से सारा कुछ उसके बाद फिर हम उसके ऐसी मतलब स्टोरेज भी बहुत ही अच्छे से ऐसे एरिया में करते हैं जिससे उसमें कोई भी माइक्रोवेल कॉन्टामिनेशन ना हो उसके बाद भी उसके ऊपर हमारी एक्सपायरी डेट क्यों लगी होती है आपने कभी सोचा है एक्सपायरी डेट क्यों लगी होती है इन सब का भी एक रीजन होता है क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चीज 100% परसेंट क्लियर नहीं होती है आपने एक आध देखा हो एक डिटॉल का एड आता था वो भी कहता था 99.9% परसेंट कीटाणुओं को मारे तो यहाँ पे भी यही लागू होती चीज थी कि कोई भी चीज़ 100 परसेंट एक्यूरेट नहीं होती है हम चाहे कितनी भी कोई भी टेक्निक यूज कर लें एक परसेंट आधा परसेंट कुछ ना कुछ रह ही जाता है एंटी माइक्रोवेल सॉरी माइक्रोव हमारे अब कोई भी जैसा हमारा कोई भी प्रिपरेशन है कोई फॉर्मुलेशन है कोई दवाई हमने बनाई है उसमें अगर हमारा कोई भी एक भी अगर कोई हमारा माइक्रो ऑर्गेनिक या बैक्टीरिया या कुछ भी रह गया तो वो धीरे धीरे क्या करेगा अपनी ग्रोथ करने लग जाएगा ग्रोथ करने लग जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा दो महीने चार महीने छः महीने बाद वो एक छोटा सा पॉइंट परसेंट भी अगर कोई माइक्रोव होगा तो वो हमारा पॉइंट पॉइंट जीरो वन परसेंट भी माइक्रोव क्या हो जाएगा भड़ के वन या टू परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर ये हमारा वन टू परसेंट माइक्रोव क्या करेगा हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा जो उस दवा का यूज करेगा तो आप इसे समझ रहे होंगे कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें मतलब उसकी एक्सपायरी फिक्स की जाती है कि ये दवा हमारी कब तक खराब नहीं होगी क्यों नहीं होगी तो इन सबको बचाने के लिए हमारा एक चीज़ यहां पे यूज़ की जाती है जिसको हम बोलते हैं प्रीजर वेटिव। और यहां पे इस प्रिजर्वेटिव्स को ही बोला गया है एंटी माइक्रोवियल एजेंट तो ये प्रिजर्वेटिव के बारे में सुना होगा बहुत लोगों ने इसका अगर आप मतलब समझेंगे तो प्रिजर्व करना मतलब किसी का बचाव करना इससे मतलब समझ आ रहा है तो ये हमारा जो टॉपिक है इसका हम मतलब समझ लेते हैं कि प्रिजर्वेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यूजिंग एंटी माइक्रोवेल एजेंट यानी कि इसमें यह बताया जा रहा है कि हमारे जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हम बना रहे हैं प्रिपेयर कर रहे हैं सिरप हो गई टेबलेट हो गई दवा हो गई तो इन सबको क्या करना है हमको प्रिजर्वे करना मतलब इसको बचाव रखना है किससे माइक्रोव से, से. यानी कि जो माइक्रोव हमारे लग जाते हैं उन सबसे इनको बचा के रखना है हमें और इनकी डेट को मतलब बढ़ा देना एक्सपायरी डेट मतलब जैसे ये समझिए कि हमारे ये प्रोडक्ट हमारे दो साल किसी एक्सपायरी रखी गई मतलब जैसे आज की डेट के अनुसार अगर किसी की डेट है ट्वेंटी फाइव ट्वेल्व दो हजार बीस अगर इसकी वो मैन्युफैक्चरिंग डेट है तो इसकी जो एक्सपायरी रखी जाएगी लगभग एक साल या दो साल या कुछ कुछ मतलब वो उस ड्रग की एफिकेशी के हिसाब से रखी जाती है जैसे किसी की दो साल की रख दी गई तो उसकी सेम फिर हमारी एक्सपायरी बन जाएगी दो हजार बाईस तो बस इसमें हमको ये देखना है कि जो हमारी प्रिपरेशन है जो हमारा फॉर्मुलेशन है जो हमारी दवा है वो हमारी इस डेट से लेके इस डेट के बीच में खराब ना हो फ्रेंड्स तो so हमारी डेट जो है जैसे 2020 से लेके 2022 के बीच में वो हमारा जो प्रिपरेशन है जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है वो हमारा खराब नहीं होना चाहिए इन चीजों को यहाँ पे देखा जाता है प्रिजर्वेशन की हेल्प से तो यहाँ प्रिजर्वेशन का मेन काम मेन हमारा यही यहाँ पे रोल होता है कि ये उन माइक्रोब्स को ग्रोथ करने से रोकता है अब प्रिजर्वेटिव का नाम आपको बताइए एंटी माइक्रोबियल एजेंट तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट वर्ड से आप समझते हैं क्या है कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट मतलब माइक्रोब्स को किल करने वाले एजेंट ये होते हैं अब यहाँ पे हम कुछ इनकी बातें समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करते हैं क्या काम करते हैं तो एन एंटी माइक्रोवेल एजेंट आर द केमिकल सबांस यूज टू इम्प्रूव और फार्मेशन एंड एनिवेट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स एंड रिड्यूज द रिस्क ऑफ स्पॉयलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट तो ये हमारा टोटल देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारा सारा कुछ हो गया आपके इस टॉपिक का एक तरह से तो यहाँ पे सिंपल हमारा ये बताया गया है कि जो हमारा प्रीजर्वेटिव है वो एक केमिकल सब्सटेंस होता है है जो वो क्या करता है? कोई भी हमारा ड्रग है उसकी सेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर देता है है सॉरी फ्रेंड तो जैसे सेल्फ लाइफ आप ये 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 समझिए हमारा हमारा कोई कोई ड्रग बना हुआ करट या सीरप है हमारी सीरप है तो इसकी जो सेल्फ लाइफ है मतलब ये हमारी दो साल या एक साल में खराब होनी चाहिए उस चीज को ये बचा के रखता है उसकी लाइफ को इंक्रीज करता है इन सब चीजों पर यह हमारा डिपेंड होता है उसके बाद ये क्या करता है द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं उसकी ग्रोथ को यह रोकता है दूसरा क्या है कि रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्पॉलेज स्पॉयलेज मतलब क्या होता है खराब होना तो हमारे जो भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन होती है उसको खराब होने से ये क्या करता है रोकता है

जो ऐड करेंगे हम जो भी प्रोडक्ट में वो हमारा कैसा होना चाहिए Any, मतलब वो कोई भी कमी ना लेके आए हमारा प्रोसीजर है जो प्रिपरेशन है उसमें ऐसा न हो जैसे आप एग्जाम्पल समझिए कि हमारा सीरप बना रहे हैं लेकिन हमने कुछ ऐसा उसमें वो डाल दिया अपने प्रिजर्वेटिव तो वो हमारे सीरप को खराब नहीं करना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा ना हो कि हमारा सिरप ही खराब हो जाए उस प्रिजर्वेटिव से तो हमारा पहला है कि हमको ऐसा प्रिजर्वेटिव ऐड करना है जो कोई भी मतलब डेफिशियं उसमें ना लेके आए दूसरा उसका क्या मेन रोल है कि वो इंटीग्रल पार्ट में डिजोल्व होना चाहिए सोल्यूबल होना चाहिए मतलब ये समझिए कि जैसे हमारा ये है कोई भी सीरप है तो उसमें जब हम इसको डालते हैं तो वो उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए तभी तो वो पूरे सीरप को बचा पाएगा माइक्रोव से अगर एग्जाम्पल समझिए उसमें हमने डाला और वो नीचे नीचे बैठा रह गया सिर्फ तब क्या होगा जो हमारे माइक्रोव हैं वो हमारे सीरप में ऊपर आ जाएंगे अब ऐसा

और उसको अपने ड्रिंक किया मतलब आपने ऐसे एक ढक्कन दो और पिया उसके बाद आपने उसको बंद कर दिया तो कुछ सेकंड का जो टाइम या 1 मिनट लग गया दो मिनट लग गया इतना किसी भी सिरप में माइक्रोब के एंटर होने के लिए बहुत होता है सफिशिएंट तो इस वजह से उसमें प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं जिससे वो जल्दी खराब ना हो और प्रिजर्वेटिव क्या करता है उसकी एक्सपायरी को शेड्यूल करता है कि ये कब तक खराब नहीं होगा तो आपको ये दो चीजें यहाँ पे याद रखनी है फिर हमारा क्या कह रहा है कि कोई भी जो हमारा प्रिजर्वेटिव है वो मतलब सिंगल फॉर्म में नहीं डाला जाता उसके साथ कुछ ना कुछ मिला के मतलब दो प्रिजर्वेटिव का कॉम्बिनेशन डाला जाता है ये चीज क्या करती है कि जो हमारे प्रिजर्वेटिव है उसकी रेंज को थोड़ा बढ़ा देता है और प्रिजर्वेशन जो हमारा बचाव होना है वो थोड़ा हमारा और बढ़ जाता है और अच्छे से होता है और एफिसियंसी मतलब अच्छा होता है एकदम कहते हैं क्वालिटी वाला उसके बाद जो हमारा प्रिजर्वेटिव है ये हमारा कहाँ कहाँ यूज किया जाता है मोस्टली ये हमारा इमल्सन में डाला जाता है सस्पेंशन में सेमी सॉलिड होगा पेरेंटल प्रिपरेशन तो इन सब में जो हमारा प्रिजर्वेटिव है वो मोस्टली यूज किया जाता है अब सबसे ज्यादा ये हमारा हेल्पफुल होता है वो हमारे लिक्विड डोजेज फॉर्म में होता है अब लिक्विड डोजेज फॉर्म में क्या होता है क्योंकि आपको नेम से पता है कि जो हमारे लिक्विड डोजेज फॉर्म होते हैं उसमें हमारा लिक्विड आएगा लिक्विड मतलब हमारा क्या आएगा वाटर आएगा तो हमारा जो डोजेस फॉर्म होते हैं लिक्विड वाले उसमें हमारा वाटर आता है वाटर क्या है कोई भी बैक्टीरिया या माइक्रोब्स के लिए एक गुड सोर्स है किसके लिए सोर्स है मतलब उस माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है हमारा वाटर इसलिए जो हमारे आप अगर कभी देखें तो हमारी जो टैबलेट होती है उनकी लगभग एक से दो साल हमारी एक्सपायरी होती है लेकिन जो हमारे सिरप होते हैं उसकी मैक्सिमम सिक्स मंथ या वन साल इससे ज्यादा हमारी उसकी जो एक्सपायरी होती है वो नहीं होती है तो इसी वजह से क्योंकि वो हमारे क्या होते हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म होते हैं इसलिए उसमें हमारे कॉन्टेमनेट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं ठीक है फ्रेंड अब कुछ एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि कौन कौन से प्रिजर्वेटिव हमारे यूज किए जाते हैं कस किस में लगभग तो जैसे हमारा ये फॉर्मुलेशन दिखे टैबलेट में हमारे यूज किया जाते हैं मिथाइल पैरा वेन हो गए फिनॉल हो गए क्रिसोल हो गए ये हमारे ऐसा प्रिजर्वेटिव इसमें यूज किए जाते हैं अब आई ड्रॉप्स हो गए हमारे तो आई ड्रॉप्स ड्रॉप्स आई ड्रोप्स में हमारे डाले जाते हैं बेनियलकोनियम क्लोराइड हो गया फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट हो गया फिर हमारे कुछ लिक्विड मिक्सचर्स होते हैं इसमें हमारे एल्कोहल डाला जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव फिर मिथाइल पैरावेन हो गया यही वाला टेबलेट वाला फिर हमारा क्लोरोफॉर्म बहुत वाइडली यूज किया जाता है इन चीजों में क्लोरोफॉर्म ने आपने देखा होगा तो आप अगर आप कभी देखेंगे कोई सिरप वगैरह उसकी फॉर्मुलेशन में आप देखेंगे क्या क्या उसमें पड़ा हुआ है फिर सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड में हमारा लगभग क्लोरो क्रिसोल डाला जाता है और बेंजाइल एल्कोहल डाला जाता है तो ये सब हमारी चीजें हैं जो एज ए प्रिजर्वेटिव यूज की जाती है अब हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लेते हैं कि हमारा जो प्रिजर्वेटिव है उसको कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए तो यहां पे हमारा लिखा है कि इट शुड एवं टू किल ऑल द माइक्रोब्स कॉन्टेट रैपिडली मतलब ये माइक्रो जो हमारा प्रिजर्वेटिव हम डालेंगे अपनी फॉर्मुलेशन में वो हमारा ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई भी हमारा माइक्रोब्स आ जाता है जो उसको रैपिडली किल करे मतलब तुरंत उसको मतलब ग्रोथ ना करने दे और उसको तुरंत ही किल कर दे अब हम कुछ और समझते हैं इसके क्या क्या है हमारी तो इट शुड बी नॉन टॉक्सिक ये ऐसा नॉन टॉक्सिक मतलब ये खुद ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये खुद अपना नुकसान पहुंचाए जैसे एग्जाम्पल समझिए सिरप में हमने कोई प्रिजर्वेटिव यूज किया तो सिरप जो यूज कर रहे हैं हम फायदे के लिए लेकिन अगर प्रिजर्वेटिव में कुछ ऐसा नॉन टॉक्सिक मतलब प्रिजर्वेटिव में कुछ ऐसा टॉक्सिक मटेरियल हुआ कि वो थोड़ा जहरीला या खतरनाक हुआ तो वो सिरप जो हमें बचाने वाला है वो हमारे लिए क्या बन जाएगा घातक बन जाएगा हमारे लिए नुकसान देगा हमको फिर क्या इसलिए वो कैसा होना चाहिए नॉन टॉक्सिक होना चाहिए फिर नॉट बी इरीटेंट इरिटेंट मतलब हमको इरिटेशन क्रिएट ना करें हमको जलन ना दे स्वाद ना बिगाड़े ऐसी चीजें ना क्रिएट करें उसके बाद ये हमारा एक साल के लिए खराब होने से बचाता है लेकिन वो खुद भी ऐसा होना चाहिए कि पहले वो खुद खराब ना हो ऐसा ना हो कि वो खुद ही खराब हो गया जब खुद खराब हो जाएगा तो सीरप को क्या बचाएगा या किसी ड्रग को क्या बचाएगा फिर हमारा ये ऐसा होना चाहिए कि अगर थोड़ी सी मात्रा भी हम कंसेंट्रेशन में भी अगर हम उसको यूज करते हैं तो वो हमारा उस दवा को बहुत अच्छा इफेक्ट दे उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए ज्यादा महंगा भी नहीं होना चाहिए इन सब चीजों को देखते हैं तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये पूरा समझ आ गया होगा और अगर एग्जाम की बात करें तो ये अगर फाइव नंबर में बेसिकली पूछा जाता है तो यहां से आप देखेंगे तो ये हमारा 5 नंबर के अकॉर्डिंग बहुत है सफिशिएंट है ठीक है फ्रेंड तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके एवेल्यूशन ऑफ माइक्रोबियल एक्ट स्टेटी ऑफ फॉर्मुलशन जिसको हम प्रिजर्वेटिव एसिड टेस्ट समझते हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे तब तक के लिए थैंक यू टेक केयर बाय बाय